आज हम आगे की स्क्रीनिंग करते हैं। देखो रोटेट करने पे ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है, तो आज इसको सेट करेंगे। तो आप एक पॉज बनाओ, शिफ्ट डब्ल्यू, देन एक पॉज बना लो। कैसे पैर उठता है ना, मुझे यहां का वेट सेट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, स्किन पेंट स्किन वेट टूल से सेट करा सकते हो। मुझे यहां पे थोड़ा ये उठाना है, तो आप ऐड ऑन करो, थोड़ी सी वैल्यू ऑन करो। देखो उठाया ना एक बारी में, फिर स्मूथली डाल दो। और फिर ऊपर वाली जॉइंट से इसको फुलाना है, तो ऊपर वाली जॉइंट सेलेक्ट करो। स्मूथली चला दो। देखो जो चीज पहले हो रही थी वो अब नहीं हो रही। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे सी बन रहा था, अब सी नहीं बन रहा है। तो बड़ा स्किनिंग में ध्यान रखना पड़ता है, अब परफेक्ट हो रहा है। शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करने पे लूप सिलेक्ट हो जाता है। आप कंपोनेंट एडिटर से भी ये काम करा सकते हैं। स्मूथ स्किन में अभी वेट है थाई पे, ठीक है, सब पे ना इक्वल रखता था। ये देखो ये दो वर्टेक्स ना नीचे झुक रहे हैं, डिफॉल्ट में भी झुके हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें लग रहा था कि वैसे ही झुके हुए, पर मॉडलिंग में डिफॉल्ट में भी झुके हुए तो हम कुछ कर नहीं सकते, परफेक्ट है। मतलब ये अगर आप फिर भी थोड़ा कुछ चाहते हो तो आप इन तीनों वर्टेक्स को पकड़ो, थाई का बोन घटाओ बढ़ाओ, खाली इसका बढ़ाओ। ठीक है, और थोड़ा फुलाना था मुझे। बटक्स तो परफेक्ट है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैंने अभी देखा लास्ट क्लास से लेके अब तक मैंने इस तरफ बोन सेट करी ना, वेट सेट करा, इस तरफ तो कुछ भी नहीं करा। तो जो यहाँ की सेटिंग है यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट हो जाती है। कैसे, पहले क्या करना, पूरे लेफ्ट बॉडी पे, पूरी लेफ्ट बॉडी पे वेट सेट कर लेना। देन उसके बाद स्किन में जाना, मिरर स्किन वेट में जाना, टर्न ऑन वाई जेड एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑन होना चाहिए, ये दो ऑप्शन ऑन, देन मिरर। अब देखो इस पैर का ऑटोमेटिक सेट हो गया होगा, ऑटोमेटिक सेट हो गया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था हमारा कैरेक्टर ओरिजिन पे होना चाहिए। ओरिजिन क्यों, ताकि मिरर आसानी से हो। अगर ओरिजिन पे नहीं होगा ना मिरर नहीं हो पाएगा। अब देखो मिरर, अब दोनों पैरों की रिगिंग सेम हो गई है, स्किनिंग सेम हो गई है।
दोनों की स्किनिंग सेम है, किसकी? ट्राउजर की। फेस की सेलेक्ट करके करनी पड़ेगी, पर फेस पर भी कुछ काम नहीं किया हमने। अब हम काम करते हैं स्पाइन पे, नीचे वाला सारा एनिमेशन हटा दो। एनिमेशन बनाते हैं इसका, ठीक है? इसका तो एनिमेशन ठीक है, इसकी भी स्किनिंग ठीक है, कुछ खास कमी नहीं है। देखो जो ठीक हो उसको छेड़ना मत, यहाँ की भी ठीक है। माया में स्किनिंग बहुत अच्छी है डिफॉल्ट, ये भी ठीक है। क्या गर्दन अगर साइड होती शोल्डर नीचे होते तो होंगे ही ना, शोल्डर पे थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगी। जॉ कट करना है अब हमें, अब क्या करना है मुझे इसमें? कंपोनेंट एडिटर यूज कर सकते हो या दूसरा, जॉकट वाली बोन सेलेक्ट करो। जॉकट का वेट यहां नहीं आना चाहिए था, जो कि आ रहा है यहां पे इस हेड वाली बोन का आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, हेड वाली बोन सेलेक्ट करता हूँ और ऐड करके फुल वैल्यू करके यहां पे पेंट कर देता हूँ। तो यहां से देखो वेट जॉकट वाली बोन का हट रहा है। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका कंपोनेंट एडिटर में जाके वर्टेक्स पकड़ के डायरेक्ट पेंट। वो एक ना उसको वर्टेक्स मिल गया, कभी कभार एक वर्टेक्स पे डायरेक्ट ब्रश चल नहीं पाता है। तो आधे पे चलाओ, आधे पे बाद में मिरर करा देंगे। इस पे चौकट कराना है, ब्रश का साइज छोटा कर दो बी के साथ। यहाँ पे हमें स्मूथ चलाना है,
कुछ कंपोनेंट पकड़ के डायरेक्ट भी चला सकते हो। जैसे कुछ कंपोनेंट पे नहीं चल पा रहा हो तो अब डायरेक्ट चलाना। इस पे तो पूरा हेड का ही चाहिए। मिरर करा के देखते थोड़ा सेट हो जाए साथ के साथ। हाँ तो उसपे वो हेड का करना है ना। यहाँ पे तो पूरा नेक ही होना चाहिए। यहां से मैं हटा रहा हूं जॉब एंड जो एंड। अभी भी कुछ वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं हुए। सिलेक्ट इसलिए नहीं हो रहे, आई थिंक इसका पैक स्पेस बंद है। अब हो जाएगा। देखो बैक स्पेस कलिंग ऑफ हो रखी है, मतलब पीछे वाले वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं हो पाते उससे। मॉडलिंग में बताया था मैंने कि पीछे वाले अगर सेलेक्ट देख शो नहीं करने और दिखाने नहीं होते। हाँ
देखो कुछ जगह के अगर वर्टेक्स आपसे सेट नहीं हो पा रहे हो, मुश्किल आ रही हो, तो आप क्या कर सकते हो, वर्टेक्स पकड़ना वहां के, और एक कमांड आती हैमर, हैमर से एक बारी में वेट सेट हो जाएगा वहां का ऑटोमेटिक। यहां पे मिलेगा पेंट मोड में हैमर, ये दिख रहा है हैमर, हथौड़ा मार दो अपने आप सेट हो जाएगा, पर ये हर जगह नहीं चलेगा, कुछ कुछ जगह चला सकते हो, थ्री प्रेस करो हो गया आपकी स्क्रीनिंग सेट। कैरेक्टर बोल रहा है तो यहां तक थी आपकी स्क्रीनिंग। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम मसल्स को फुलाएंगे स्किनिंग के थ्रू, एड इन्फ्लुएंस करेंगे जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं पे बल्जिंग दिखानी है कुछ भी दिखानी कर सकते हो, और हम आई के एफ के स्विच बनाएंगे पैरों का और हाथों का।